हेलो जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल। अभी अभी सूचना मिली है कि सड़क पे ना 3 महीने से एक मोटरसाइकिल पड़ी है और मोटरसाइकिल को अभी तक कोई लेने नहीं आया। तो रात का करीबन 9:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और देखूंगा कि वहाँ पर आखिर क्या कुछ है, किसकी मोटरसाइकिल है, क्या है क्या नहीं। तो मैं अब जगाधरी से बिलासपुर की तरफ निकल चुका हूँ। रास्ते में ही जो ये रास्ता है वहाँ पर पता चल रहा है कि मुझे बाइक खड़ी हुई है किसी की, तो वहां चल के देखेंगे कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। चलिए वहां मैं ले चलता हूँ, बाइक दिखाऊंगा आप। ये सुनसान सा एरिया है इधर, यहाँ पे एक बिल्डिंग सी बन रही है। यहाँ पे उन्होंने मेरे को अभी कॉल पे बताया कि यहाँ पे खड़ी है मोटरसाइकिल। हो सकता है कि ये सुनसान एरिया में आखिर क्यों मोटरसाइकिल छोड़ी गई। ये देखो यहाँ सामने वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बुलाया, अब इनसे बातचीत करूंगा, पूछूंगा कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, कहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी है। ये लोग हैं, वो इस भाई ने कॉल किया था मुझे। यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, यहाँ से कॉल आई थी। क्या हाल चाल है भाई जी? कहाँ खड़ी है मोटरसाइकिल, कहाँ, कितने दिन हो गए, कब से पड़ी है यहाँ पे? 3 महीने खड़ी जी। अच्छा, कोई लेने नहीं आया? कोई नहीं लेना आया जी यहाँ पे। आप क्या करते हो यहाँ पे? चौकीदारा करा जी। अच्छा, तो क्या चीज है यहाँ, एक पहले क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ प्लाट कटेंगे जी। अच्छा, प्लाट कटेंगे, दिखाना कौन सी मोटरसाइकिल कहाँ है। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों कि ये मोटरसाइकिल किसकी है। दूर से तो टूटी सी लग रही है, एक्सीडेंट हुई है और बता रहे हैं कि ये देखो करनाल का नंबर है। ये वाली मोटरसाइकिल है, ये तो टूटी पड़ी है ना आगे से कई, टंकी पे भी नहीं कुछ है। पीछे का नंबर है इसके, ये पीछे नंबर है। तो ये नंबर है HR05M5724। तो ये पैशन कौन सी मोटरसाइकिल है? पैशन है ना, पैशन है। एक्सीडेंट हुई पड़ी है, पूरी टूटी पड़ी है और यहाँ पे काफी देर से, काफी दिनों से खड़ी है। कितने, 3 महीने हो गए अंकल जी? 3 महीने हो गए। तो यहाँ से कोई उठाने नहीं आया इसको? ना जी, कोई नहीं उठाने आया। तो ये खड़ी किसने करी थी? ये पुलिस वाले ने खड़ी करी थी। तो दोबारा आपने पुलिस वाले को नहीं कॉल कॉल करी? ना यार, वहाँ पर नंबर ही नहीं आए। 111 112 पर कराया था, कहा था वहाँ, कहा था थाने में कह देंगे हम। अच्छा, उन्होंने भी नहीं कोई कहा, पता पुता दिया। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पे बिल्डिंग तैयार हो रही है, क्या चीज बनेगी यहाँ पे? प्लाट कटेंगे। प्लाट कटेंगे, कोई अपार्टमेंट है क्या, कोई कंपनी कंपनी नहीं है, जेसीडी, क्या चीज है? कंपनी का है जी। अच्छा, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये पैशन मोटरसाइकिल है, बिल्कुल ही खत्म है। ना तो इसकी टंकी पे कुछ है, ना कोई नंबर, नंबर तो है इस पे, टूटी हुई है। हो सकता है कि इसका मालिक जो है डेड हो गया हो और उसके बाद ना तो परिवार वाले दोबारा लेने आए हों। अगर आप ये नंबर से पहचान कर सकते हैं, HR05M5724 नंबर है, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। और स्प्लेंडर हीरो कंपनी की, हीरो होंडा की शायद ये बताई जा रही है, पैशन है और यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर पड़ी थी। तो मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को शेयर करें और जिसकी भी मोटरसाइकिल हो, जिनके भी परिवार, टायर इसके जो है, इसके टायर जो हैं वो बिल्कुल नए हैं। आप देख सकते हैं कि टायर बिल्कुल नए, अगर ये ही किसी चोर चूर को पता चल जाए और ये तो यहाँ पे आके पक्का हाथ साफ कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मोटरसाइकिल की क्या रहस्य है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, कब हुआ था, कुछ बता सकते हैं कब की बात है, एक्सीडेंट कब हुआ था? मरा मुरा था क्या इसमें कोई? ना जी, मरे मुरे का तो पता नहीं लगा। अच्छा, पर 3 महीने से आप यही ड्यूटी कर, 3 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो आज फिर आपने क्या सोचा था, क्या सोचा था भाई जी आज आपने? फिर भी किसी गरीब को उठाने जाना रुपए वैसा आदमी, जिस भाई की भी आया अपने लिए जाकर आना है। तो करनाल साइड के नंबर है ना जी? हां जी, वो भी तो लोकल ही भाई है किसी की है, वो भी तो लोकल ही भाई किसी की है। अच्छा, तो मतलब पुलिस को आपने बुलाया था, 112 आई नहीं फिर वो? ना भाई, उरी खड़े थे, उनते बता दिया था गेड़ा। अच्छा, बवे कहां थे थाने में बता देंगे हम। कब की बात है ये भाई? होगी 15-20 दिन की बात है। 15-20 दिन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, मैं फिर से आपको बता दूं, ये बिल्कुल पुरानी पैशन मोटरसाइकिल है। अंकल इधर रोना थोड़ा सा। तो ये पुरानी पैशन है और इसमें यहाँ पर आगे से टूटी भी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है। इसका नंबर, इसका मैं फिर से बता दूं, HR05M5724 ये नंबर है, पैशन मोटरसाइकिल है। ये आप देख सकते हैं कि पैशन प्लस, टंकी जो है इसकी और कलर की। हो सकता है इसका मालिक डेथ है, हो गया है, नहीं हो गया। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को शेयर कर दें। और ये मोटरसाइकिल यहाँ पर कौन सी जगह खड़ी, जगह बता दो अंकल जी, कहाँ खड़ी है ये? आलू वाला। इसके टायर जो हैं वो बिल्कुल नए हैं। आप देख सकते हैं कि टायर बिल्कुल नए, अगर ये ही किसी चोर चूर को पता चल जाए और ये तो यहाँ पे आके पक्का हाथ साफ कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मोटरसाइकिल की क्या रहस्य है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, कब हुआ था, कुछ बता सकते हैं कब की बात है, एक्सीडेंट कब हुआ था? मरा मुरा था क्या इसमें कोई? ना जी, मरे मुरे का तो पता नहीं लगा। अच्छा, पर 3 महीने से आप यही ड्यूटी कर, 3 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो आज फिर आपने क्या सोचा था, क्या सोचा था भाई जी आज आपने? फिर भी किसी गरीब को उठाने जाना रुपए वैसा आदमी, जिस भाई की भी आया अपने लिए जाकर आना है। तो करनाल साइड के नंबर है ना जी? हां जी, वो भी तो लोकल ही भाई है किसी की है, वो भी तो लोकल ही भाई किसी की है। अच्छा, तो मतलब पुलिस को आपने बुलाया था, 112 आई नहीं फिर वो? ना भाई, उरी खड़े थे, उनते बता दिया था गेड़ा। अच्छा,
कहां थाने में बता देगा फिर। कब की बात है ये भाई? होगी 15-20 दिन की बात है। 15-20 दिन है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, मैं फिर से आपको बता दूं, ये बिल्कुल पुरानी पैशन मोटरसाइकिल है। अंकल इधर होना थोड़ा सा। तो ये पुरानी पैशन है और इसमें यहाँ पर आगे से टूटी भी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है। इसका नंबर, इसका मैं फिर से बता दूं, HR05M5724 ये नंबर है। पैशन मोटरसाइकिल है ये, आप देख सकते हैं कि पैशन प्लस। टंकी जो है इसकी और कलर की, हो सकता है इसका मालिक डेथ है, हो गया है, नहीं हो गया। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर कर दें। और ये मोटरसाइकिल यहाँ पर कौन सी जगह खड़ी, जगह बता दो अंकल जी कहाँ खड़ी है ये? आलू वाला खड़ी जी। आलू वाला कौन सी जगह है, ये लोकेशन क्या है? आलू वाला जी। आलू वाला क्या, कौन सी बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, कौन सी कंपनी? न्यू मैक्स जी, प्लॉट कटाएंगे यहाँ जी। अच्छा, न्यू मैक्स की है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यू मैक्स के प्लॉट कटने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपको बाहर से एंट्री दिखाई और बिल्कुल जैसे ही आप वो सामने से आप एंटर होंगे तो यहाँ से ये देखिए ये दीवार सी बनी हुई है और सामने से अगर आप एंटर होंगे तो ठीक यहाँ पे ब्लू कलर का ये शेड पड़ा हुआ है और उसके पास ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। जिस भी भाई की है, जिस भी परिवार की है, मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो अपने घर ले जा सके। और अगर चोरों को पता लग गया वो तो इसको बेच ही देंगे, क्योंकि इसके टायर आप अंदाजा लगा लीजिए। देखिए टायर बिल्कुल नए पड़े हैं, बिल्कुल नए टायर हैं, अगला भी टायर नया पड़ा है। तो किसी परिवार की हो सकती है, नए टायर पड़े हैं ना अंकल इसके? तो आजकल तो छोड़ता ही नहीं कोई, दो मिनट कौन छोड़ता जी। ये तो फिर भी आपकी दरिया दिली है, आपने बता दिया, आप भी कबाड़ी में बेच सका देना। हाँ जी, चलिए तो मैं तो रखवाली करानी पड़ रही इसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं टंकी में इसमें तेल तूल भी है कि नहीं है? तेल लिया जी। अच्छा, चाबी भी नहीं है ना इसके अंदर? तेल चेक किया तुमने इसके अंदर? इसकी तो भाई टी सी टूट रही थी नीचे से। नहीं, टी तो ठीक है इसकी, टी ठीक नहीं है, टी तो हाँ। पाइप नहीं है इसके अंदर, ये पाइप भी यहाँ से टूटा हुआ है। तो 3 महीने से बता रहे हैं खड़ी है। चलो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो और ताकि जिसकी भी मोटरसाइकिल हो, अगर वो जिंदा है या जो भी है, हुआ तो एक्सीडेंट है इस गाड़ी के साथ, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद जो है पुलिस वाले इसको यहाँ खड़ी कर गए थे। आलू वाला के पास है, न्यू मैक्स सिटी, न्यू मैक्स कंपनी की। कौन सी? फोर्टेसिया कंपनी। फोर्टेसिया कंपनी का ये जगह है और यहाँ पे ये मोटरसाइकिल काफी दिनों से पड़ी है। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि जिसकी भी मोटरसाइकिल है वो अपने घर तक इसको ले जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।